नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड हमारे खास एपिसोड क्वार्क एक्सप्रेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने क्वार्क एक्सप्रेस के पेज पर किस तरीके से क्रॉसर की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि जब आप क्रॉसर बनाते हैं और उसमें बुलेट लगाते हैं तब आपका जो क्रॉसर का जो टेक्स्ट है वो दोस्तों आगे पीछे हो जाता है, और क्योंकि बुलेट लगा होता है दूसरे फॉन्ट में और जो क्रॉसर होता है वो दूसरे फॉन्ट में होता है, जो टेक्स्ट होता है उसका दूसरे फॉन्ट में होता है, तो वो कैसे हम सेट करेंगे, क्योंकि जो आगे पीछे हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से हम एक सीध में करेंगे, एक चार्ट वाइज बनाएंगे दोस्तों, तो वो हम इस वीडियो में पूरा बताए हुए हैं। और अगर आप कोई चार्ट भी बनाना चाहते हैं जो कि आप एक हेडिंग वाइज चार्ट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उसको आप बुलेट लगा करके किस तरीके से आप चार्ट बनाएंगे तो उसको भी हम इस वीडियो में पूरा कवर किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कहीं से भी स्किप मत करिए, क्योंकि जब आप स्किप करते हो तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दें, तो इसलिए स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंड को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को विशेष शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने क्वार्क एक्सप्रेस के पेज पर बुलेट लगाने के बाद टेक्स्ट की जो सेटिंग होती है वो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि आपका टेक्स्ट जब बुलेट लगाते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलिए ओपन कर लेते हैं अपना क्वार्क एक्सप्रेस, तो जहाँ पर भी आपका क्वार्क एक्सप्रेस हो जल्दी से ओपन कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है हम लोग ओपन करेंगे अपना पेज, तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वार्क एक्सप्रेस ओपन हो चुका है और अब हम यहाँ पर ओपन करेंगे अपना पेज, और पेज जिस पर हमें अपना क्रॉसर सेट करना है। तो दोस्तों चलिए हम अपना पेज ओपन कर लिए, और अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है हम पेज ओपन करने के बाद एक क्रॉसर बनाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है और इस टेक्स्ट बॉक्स पर जो है हम कोई सा भी टेक्स्ट ले लेंगे। तो दोस्तों चलिए यहीं सर हम थोड़ा सा एक टेक्स्ट इसमें से कोई सो कॉपी कर लेते हैं, और अगर हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप से पेस्ट हो गया है आपका टेक्स्ट। और अब हम इस स्टाइल शीट के माध्यम से यहाँ पर हम इसको क्रॉसर का जो शेप है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से होगा, या फिर जो है आप क्रॉसर का ऐसा लगा सकते हैं तो भी ठीक है, या फिर अगर आप कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप टेबल पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको दिखा दें कि यहाँ पर हम इस तरीके से इसी टेक्स्ट को बार बार कॉपी कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हमने जो है फिर से इसको कॉपी कर लिया है, और एंटर मारने के बाद जो है हम इसी टेक्स्ट को दोबारा से पेस्ट कर देंगे तो हमारा कुछ इस टाइप से एक चार्ट बनेगा। और अब आप देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमने चूंकि यहाँ पर 0.3 का या 0.5 का हमने यहाँ पर जो है इंडेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर से इसको कैसे हम बुलेट को लगाएंगे और कैसे इसको एक बेहतरीन चार्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम एक बुलेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बुलेट लगाने के लिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें कई सारे बुलेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद जो है हम यहाँ पर करेंगे वेबडिंग नाम का एक फॉन्ट होता है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ वेबडिंग नाम का जो फॉन्ट है वो ये हमारा है, तो यहाँ पर कई सारे आपको बुलेट देखने को मिल जाएंगे इस फॉन्ट में। और इसके बाद जो है जो भी आपको बुलेट लगाना हो, जो भी आपको सेट करना हो, तो यहाँ से आप उस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने चलिए सर्कल वाला बुलेट लिया हुआ है और इसको यहीं से हम कलर कर ले रहे हैं, क्योंकि बार बार कलर नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से हमारा हो गया है पेस्ट करने के बाद, तो अब हम इसको कैसे सेट करेंगे कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये बुलेट एक साइड हो जाए, और अभी आप देखेंगे पेस्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपका होगा, तो दोस्तों ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हम कैसे करेंगे कि ये बुलेट एक साइड हो जाए, जो टेक्स्ट हमारा है वो पूरा एक साइड हो जाए, तो इसके लिए करना क्या है कि आपको इस बुलेट को, जो भी बुलेट आपका है इसको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद एक स्पेस देना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जो है अब इस बुलेट पर हम कंट्रोल शिफ्ट और एफ हम प्रेस करेंगे, यानी कि आप फिर से मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जिस बुलेट को आपको सही करना है तो इस बुलेट पर जो है हम इस लाइन पर जो है हम कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे, तो आपके सामने एक पैराग्राफ एट्रीब्यूट के नाम से आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पर हमको करना क्या है 0.3 का यहाँ पर देख रहे हैं आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है, जब लेफ्ट इंडेंट दिया हुआ है 0.3 का दिया हुआ है, और नीचे अब हम क्या कर देंगे यहाँ जो यहाँ पर 0.3 फर्स्ट लाइन इंडेंट दिया हुआ था यहाँ पर हम पॉइंट यहाँ पर -0.3 का हम
लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। अब आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप से आपका हो गया है। तो अगर दोस्तों आपका पॉइंट थ्री से काम चल रहा है तो ठीक है, और अगर पॉइंट थ्री से काम नहीं चल रहा है तो आप पॉइंट फोर भी दे सकते हैं, पॉइंट फाइव भी दे सकते हैं, जितने में आपका काम चल जाए। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी हेडिंग का साइज़ कितना है, यानी कि जो आप टेक्स्ट ले रहे हैं उसका साइज़ कितना है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो स्पेस बचा हुआ है तो इसको हम फिर कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी करने के बाद यहाँ जो आप 100% देख रहे हैं इसको हम 10% कर देंगे। अगर आप 10% हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 25%, तो इसको हम 25% रखेंगे और आप देखेंगे कुछ हमारा इस तरीके से हो गया है। तो अब दोस्तों इसको हम यहाँ से फिर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ कुछ हद तक आपका बराबर हो रहा है। अगर दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर बराबर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो इसको हम फिर से कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे और जो भी पॉइंट थ्री का हमने दिया हुआ था इसको हम पॉइंट फोर करके देखेंगे कि क्या हमारा पॉइंट फोर पर ये एक्यूरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट फोर करके हमने दिया, इसको अप्लाई किया और देख रही आप कि यहाँ पर अब आपका पूरा एडिटिस बराबर हो चुका है और आपका जो पहले था वो कुछ इस टाइप से था और अब आपका इस तरीके से सेटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद जो है हम इसी बुलेट को कॉपी कर लेंगे और नीचे सीधे हम पेस्ट कर देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं सब ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को बना सकते हैं और यही सेम प्रोसेस जो है आप क्रॉसर में भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आपको दिखा दें कि यहाँ पर इस चार्ट को और इस क्रॉसर में भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ का साइज़ जो है दोस्तों 14 पॉइंट का है और ये जो हमारा साइज़ था वो हमारा 11 था। तो यहाँ पर चलिए हम पेस्ट करके देखते हैं कि क्या दिखाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप से हमारा शो कर रहा है क्योंकि हमारी लीडिंग वगैरह यहाँ पर जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम लोग इसी फॉन्ट को हम लोग कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पर भी इसको हम बुलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि विबडिंग का नाम का जो फॉन्ट होगा उसी को लगाएंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो विबडिंग का फॉन्ट है वो उसमें कौन सा बुलेट यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं रेड करके और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आप देखें कुछ इस टाइप से हो चुका है। इसको हम फिर थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा कर लेंगे और फिर से हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर 0.5 करके देखेंगे क्योंकि फॉन्ट हमारा जो है ये बड़ा है। तो यहाँ पर -0.5 करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो चुका है और अब हम इसको इस टाइप से कर लेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस किया और यहाँ पर जो है जो स्केलिंग है हॉरिजॉन्टल स्केल 25% कर दिया और ओके कर दिया। दोस्तों यहाँ पर जो है अब आप देखेंगे कि एक साइड से पूरा ये हमारा क्रॉसर बन चुका है और एकदम सीधा बन चुका है। दोस्तों इसी तरीके से आप कई सारे क्रॉसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपने क्रॉसर को सेट कर सकते हैं, अपने चार्ट बना सकते हैं, जो भी आप चार्ट यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं, जिस तरीके से चार्ट तैयार करना चाहते हैं तो अपना चार्ट आराम से आप तैयार कर सकते हैं और अपने पेज को खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस वीडियो से क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने कुछ नया जाना। दोस्तों वीडियो के किसी पार्ट में जो चीज़ ना समझ में आई हो तो आप हमसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर नए हैं भैया तो देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंस को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं और हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी देखना चाहते हैं और हमारे भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपने दिया हुआ है तो वहाँ उसे ओपन करके फॉलो जरूर से जरूर कर लीजिए। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।